हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 10 चतुर्भुज की रचनाएं। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट देखा था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक बात, एक एक डिफिनीशन, क्योंकि चैप्टर ये शुरू हो रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए। जब तक ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को अच्छे से आएगा नहीं समझ में, तब तक आप लोग चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से ये चतुर्भुज की रचनाएं का पहले जो इंट्रोडक्शन होगा, जो इसमें डिफिनेशन होगा, उसको ध्यान दीजिए, तब फिर आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। तो इसमें हम लोगों को जानना है चतुर्भुज की रचनाएं में सबसे पहले ये जानेंगे कि चतुर्भुज कहते किसको हैं। चतुर्भुज होता क्या है, कहते किसको है, तो देखिए इसका डिफिनेशन पहले लिखेंगे। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहां ये बंद आकृति कहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, तो ये सही नहीं है जब तक आप लोग बंद नहीं कहेंगे। अब क्यों, उसके लिए देख लीजिए और आगे कुछ और इसमें याद रखते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल तीन सौ साठ अंश होता है। अब इसको आप लोग फिगर से समझिए क्या है और कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए इसमें चतुर्भुज का परिभाषा क्या हुआ, इसका डिफिनेशन, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति जरूर कहेंगे को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। जैसे मान लीजिए यहां कह रहा है चार भुजाओं से, जैसे एक रेखा हमने मान लीजिए ऐसे खींच लिया, अब फिर यहाँ खींच लिया हमने दूसरा, ये किसी भी तरह से खींच सकते हैं, फिर हमने मान लीजिए ऐसे खींच लिया तीसरा और फिर ये खींच लिया हमने चौथा, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने डिफिनेशन क्या बताया, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये चारों तरफ से देखिए बंद है। तो जब ऐसे आकृति होगा, अब ये आकृति कई तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से तरह के होंगे उस सब का डिफिनेशन आप लोगों को जानना होगा। पहले तो केवल चतुर्भुज जाना, तो जिसमें चार भुजा होंगे वो सब क्या होंगे, चतुर्भुज होंगे जब चारों भुजा बंद आकृति बनाएंगे एक दूसरे से, और कोई भी चतुर्भुज होगा सबका ये अंतःकोण होता है, तो सबके अंतःकोणों का योगफल चारों को मिला के हो जाएगा कितना, 360 अंश। ये सारे चतुर्भुज में, अब ये कुछ भी हो सकते हैं अकेले अकेले, लेकिन चारों को जोड़ने पर 360 ही होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो हो गया चतुर्भुज। अब मान लीजिए अगर बंद आकृति नहीं कहेंगे तो फिगर कैसे बनेगा, चार, अगर मान लीजिए आप लोग कहते हैं चार भुजाओं से
घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ बंद न कहा, केवल कह दें एक दो तीन चार, यहाँ भी अगर केवल कह दें चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो ये भी आकृति घिरा हुआ है लेकिन देखिए बंद नहीं है, तो बंद नहीं है तो चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो अब देखिए चतुर्भुज के कुछ अंग होते हैं, अंग मतलब उसके भुजा, उसके कोण, उसके शीर्ष, उसके विकर्ण कौन से क्या है उसको अब जान लेंगे। उसके बाद चतुर्भुज का प्रकार जानेंगे कि कौन से चतुर्भुज को हम लोग देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो ये भी जानना है। तो सबसे पहले चतुर्भुज का हम लोग अंग देखते हैं। अब देखिए चतुर्भुज के अंग कौन कौन से होते हैं उसको हम लिखेंगे और बताते जाएंगे। तो चतुर्भुज में होते हैं भुजा, फिर चतुर्भुज में कोण, फिर चतुर्भुज में होगा शीर्ष, चतुर्भुज में होगा विकर्ण, फिर देखिए सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, सम्मुख कोण और संलग्न भुजाएं। तो अब हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के अंग कौन कौन से होते हैं, मीन्स चतुर्भुज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें देखिए एक होता है भुजा, फिर कोण, फिर शीर्ष, विकर्ण, सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, संलग्न भुजाएं। अब किसको क्या कहते हैं इसको एक फिगर से समझते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए एक चतुर्भुज है कोई भी। अब इसमें कौन से क्या होंगे, भुजा कौन होंगे, कोण कौन, शीर्ष, सब कुछ इसमें देखना है। तो देखिए भुजा किसको कहते हैं, ये जो चार रेखाखंड होते हैं, चारों से जो ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये चारों रेखाखंड एक हो गया, फिर यहां से यहां तक दो, यहां से यहां तक तीन और यहां से यहां तक चार। इन्हीं चारों रेखाखंडों को जिससे चतुर्भुज बना होता है, इन्हीं चारों रेखाखंडों को भुजा कहते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई पूछता है एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो आप लोग बताएंगे चार भुजाएं होंगी। तो सबको देख लेते हैं, भुजा होंगे कितने, चार। कोण अब देखते हैं, कोण किसको कहते हैं। तो देखिए कोण क्या होता है, चतुर्भुज की दो भुजाएं, या कहेंगे ऐसे चतुर्भुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो इन दोनों भुजाओं के बीच के झुकाव को, चतुर्भुज की दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो देखिए दो भुजाओं का यहाँ भी झुकाव कितना है, एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ भी है और फिर यहाँ भी है, तो यही कोण होते हैं। तो एक चतुर्भुज में चार कोण भी होंगे, तो कोण क्या लिखेंगे, चार। परिभाषा इसका आप लोग, हमने जो डिफिनेशन बताया उसको लिख भी सकते हैं। भुजा किसको कहेंगे, जिन चार रेखाखंडों से चतुर्भुज बना होता है उन्हीं चारों रेखाखंडों को चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। कोण किसको कहेंगे, चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो एक चतुर्भुज में कोण भी चार होंगे। अब शीर्ष देखते हैं, शीर्ष देखिए किसको कहते हैं, जिस बिंदु पर चतुर्भुज की दो भुजाएं मिली होती हैं, जिस बिंदु पर, शीर्ष का मतलब हो गया केवल बिंदु,
यहां भी है बिंदु, यहां भी है और यहां भी है। तो चतुर्भुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो देखिए चार शीर्ष भी होंगे। अब देख लेते हैं विकर्ण। तो चतुर्भुज में देखिए आमने सामने के, या आमने सामने को कहते हैं सम्मुख। आमने सामने को क्या कहते हैं? सम्मुख। तो ये आमने सामने नहीं लेंगे, हमेशा तिरछा में सम्मुख लेते हैं। तो आमने सामने के या इसी को सम्मुख कह देंगे। शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण होंगे। देखिए एक यहां से हमने मिलाया, एक यहां से हमने मिलाया। तो विकर्ण कितने होंगे एक चतुर्भुज में? दो विकर्ण होंगे। फिर देखिए सम्मुख भुजा किसको कहते हैं? सम्मुख भुजा मीन्स आमने सामने की भुजा। सम्मुख किसको कहते हैं? इस भुजा के सामने का भुजा ये है और इस भुजा के सामने की भुजा ये वाला है। तो सम्मुख भुजा कितने होंगे? दो युग्म होगा। युग्म कहते हैं जोड़ा को। तो एक ये वाला जोड़ा हो गया और एक ये वाला हो गया, तो दो युग्म कहेंगे। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? आमने सामने के जो तिरछा वाला, आमने सामने के जो कोण होंगे उसको सम्मुख कोण कहते हैं। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तो सम्मुख कोण भी होंगे, दो युग्म होगा। युग्म मीन्स जोड़ा। संलग्न भुजाएं किसको कहते हैं? ये देख लीजिए, संलग्न भुजा होता है जब दो चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे के साथ लगी हुई होती हैं उन्हीं को संलग्न भुजा कहते हैं। तो संलग्न भुजाएं ज्यादा हो सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज का ये खींच लिया और एक ये खींच लिया। अब ये दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे से लगे हुए हैं, इन्हीं दोनों को संलग्न भुजा कहेंगे। अब फिर मान लीजिए हमने ऐसे भी खींच लिया, तो ये भी संलग्न हो गए, ये भी, क्योंकि एक दूसरे से लगे हुए हैं। अब मान लीजिए हमने ऐसे खींचा तो इसका भी संलग्न ये हो गया, इसका संलग्न ये भी हो गया क्योंकि इसमें लगा हुआ है, इसका संलग्न ये हो गया, फिर इसका संलग्न ये भी हो गया। तो ऐसे जो एक दूसरे के साथ लगे हुए होंगे उन्हीं को संलग्न भुजा कहते हैं। तो ये चतुर्भुज के अंगों के बारे में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कौन सा क्या होता है इसमें, एक बार और रिपीट करते हैं। भुजा जो चार रेखा खंड होंगे ये जिससे चतुर्भुज बना होगा उसको भुजा कहेंगे। एक चतुर्भुज में चार भुजा होंगे और भुजाओं का नाम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए इस भुजा का नाम लिखना है तो या तो ए बी लिख सकते हैं, पूरा लंबाई लिखा जाता है, ए से बी तक लंबा है तो ए बी लिखेंगे, या इधर से भी लिख सकते हैं बी ए। तो मान लीजिए हम यहां से लिखते हैं तो चार भुजा कौन कौन से होंगे? एक का नाम हो जाएगा ए बी, फिर देखिए इस वाले भुजा का नाम या तो बी सी या तो सी बी लिख सकते हैं, तो बी सी, इस वाले का नाम सी डी या डी सी भी लिख सकते हैं, इस वाले का नाम डी ए या ए डी भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए चारों भुजा हो गए। चारों भुजा मीन्स लंबाई उसका लिखा जाता है। कोणों का नाम कैसे लिखेंगे? कोण ए ऐसे लिखा जाता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। शीर्ष, शीर्ष को कैसे लिखते हैं? देखिए ये शीर्ष एक बिंदु होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहां ए बिंदु ले लिया, यहां बी बिंदु लिया, यहां सी लिया और यहां डी लिया, तो यही क्या हो गए? यही शीर्ष होते हैं। जहां पर दो मिल गए चतुर्भुज की भुजा वही शीर्ष होता है। तो देखिए शीर्षों को लिखना है तो केवल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसे लिख लेंगे ये शीर्ष। विकर्ण का नाम कैसे लिखेंगे? विकर्ण तो ये लंबा होता है पूरा, तो ए से सी या सी से ए लिख सकते हैं, तो ए सी, और इसका नाम लिखना है तो बी डी या डी बी। सम्मुख भुजा कौन हो गए?
एबी का सम्मुख हो जाएगा डीसी और बीसी का सम्मुख हो जाएगा एडी, ऐसे लिख सकते हैं। एबी का होगा कौन डीसी तथा एडी का कौन होगा बीसी, एडी का बीसी पूरा लंबाई लिखेंगे। सम्मुख कोण कौन होगा ए का सी होगा बी का डी होगा, कोण ए का कोण सी और कोण बी का कोण डी हो जाएगा। संलग्न भुजाएं आप लोग कई सारे होंगे तो आप लोग लिख सकते हैं ए बी का हो जाएगा ए डी और बी सी, फिर ए डी का लिखना हो तो डी सी और ए बी, ऐसे आप लोग लिखते जाएंगे, दो जो उसमें लगा हुआ होगा वही उसका संलग्न भुजा हुआ। तो ये सब तो हो गए अभी चतुर्भुज के अंगों का नाम किसको क्या क्या कहते हैं। अब आप लोग चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे कौन कौन से प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो देखिए अब ये चतुर्भुज के प्रकार आप लोग देखेंगे कि कौन से चतुर्भुज को क्या नाम दिया गया है और उसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या उसके गुण होते हैं, तो उसको आप लोग देखेंगे डिफिनीशन के साथ। तो ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसका डिफिनीशन हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा हमने बताया जो आमने सामने के भुजा होते हैं उसका एक युग्म मीन्स एक ही जोड़ा कोई समांतर होता है। समांतर मीन्स अब देखिए समलंब चतुर्भुज का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कर लिया एक और एक ऐसे, यहां पर हमने दो भुजाओं को समांतर कर लिया, समांतर हमने बताया हुआ है आप लोगों को। तो यही चतुर्भुज जो इस टाइप का चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज तो सबको कहेंगे लेकिन सबका अलग अलग तरह का फिगर बनेगा तो किसको क्या कहते हैं, तो इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब क्यों कहेंगे, देखिए आमने सामने के दो भुजा समांतर होंगे, देखिए ये समांतर हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं बराबर नहीं है, आप लोग पिछले वाले चैप्टर में समांतर का मतलब पढ़ चुके हैं, समान दूरी पर होंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता, ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, दो आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होंगी और आमने सामने की दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी, देखिए ये इधर से गया तो ये इधर से, तो इसको क्या कहेंगे समलंब चतुर्भुज। वही कहा है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मीन्स एक ही जोड़ा ये है क्या है समांतर होता है, तो इसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये पहले वाले का फिगर है, पहला वाला फिगर है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं।
तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। देखिए इसके समांतर ये है, इसके समांतर देखिए ये है और इसके ये है। आमने सामने की भुजाएं समांतर, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये होंगी और बराबर भी होंगी। इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा और समांतर भी, तो उसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसके आमने सामने के कोण, आमने सामने को ही सम्मुख कहते हैं, ये कोण भी बराबर होंगे और इसके बराबर ये होगा। तो ऐसा जो चतुर्भुज दिया होगा उसको क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर होंगी तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब सम चतुर्भुज देखते हैं। सम चतुर्भुज देखिए समांतर चतुर्भुज की ही तरह होगा, यहां पर उसका फिगर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। बस यही इसमें क्या है, ये चारों भुजा बराबर होंगे और आमने सामने की भुजा समांतर होगी, बाकी सब कुछ उसी तरह का होगा। ये फिगर तीन है, यहां तीसरे नंबर पर के लिए तीसरा फिगर है। तो देखिए सम चतुर्भुज क्या है, वह समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज में सामने सामने की समांतर होंगी लेकिन चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी और इसमें आमने सामने का केवल बराबर होता है और समांतर इसमें आमने सामने का समांतर होगा लेकिन चारों भुजा बराबर होगा। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, जो इसके विकर्ण होगा वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटेगा, ये याद रखेंगे। बस 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आयत क्या होता है, तो यही देखिए इस समांतर चतुर्भुज से बन जाता है आयत और इस सम चतुर्भुज से बन जाता है वर्ग। देखिए कैसे, ये समांतर चतुर्भुज है, तिरछा दिया है, इसी को मान लीजिए पकड़ के हम लोग थोड़ा सा सीधा कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी को हम लोग ऐसे कर दें, ऐसे सीधा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आयत। मींस देखिए इस समांतर चतुर्भुज में क्या था, आमने सामने के भुजा समांतर और बराबर थे, तो देखिए आमने सामने समांतर और बराबर है, इसमें भी आमने सामने समांतर और बराबर था तो इसमें भी है, लेकिन अब दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे, कैसे समांतर चतुर्भुज और आयत होगा, दोनों में सब कुछ तो एक ही है, आमने सामने भुजाएं समांतर और बराबर, लेकिन इसमें कोण देखिए कैसे है, कोण
कोई भी हो सकता है उसमें, लेकिन इस आयत में क्या होगा, सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। बस ये सीधा होने का मतलब सभी कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। तो इसलिए ये आयत हो जाएगा, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 90 का उसमें कितना भी होगा, तो यही फर्क है दोनों में। तो ये चौथे का फिगर हो गया। तो देखिए आयत क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं या उसी को सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और यहां से देखिए वो इसका वाला है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, आमने सामने की बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो वही आयत हो जाएगा। वर्ग देखिए क्या होगा, अब यहां से हम लोग देखते हैं, ये जो है इसी को मान लीजिए हम लोग पकड़ के सीधा कर दिए ऐसे, तो ये हो जाएगा वर्ग। तो सेम समचतुर्भुज के जैसा वर्ग भी आमने सामने के नहीं, इसमें चारों भुजा बराबर होंगे, लेकिन प्रत्येक कोण इसके भी क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। और यही अगर 90 के नहीं होंगे तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये फिगर नंबर 5 है, पांचवे के लिए का लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, वही हो जाएगा वर्ग। तो देखिए ये उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटे होते हैं। तो ये जितने भी चतुर्भुज यहां पर अभी बने हुए हैं ये सब क्या होंगे, सब ये उत्तल चतुर्भुज होंगे, क्योंकि सबके कोण 180 से कम ही होंगे। 180 अंश का कोण कैसे बनता है, देखिए ऐसे एक सीधी रेखा पर यहां से यहां तक 180 का कोण बनता है, ये याद रखेंगे। तो उत्तल चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से छोटे होंगे। तो देखिए ऐसे सीधा रहेगा, केवल वहां पर यहां से यहां तक का कोण 180 होगा, तो ये तो सीधे है नहीं, ऐसे मुड़ गए हैं। तो जब भी 180 से जब सभी कोण छोटे हैं तो सब ये हो गए उत्तल चतुर्भुज। इसके लिए फिगर बना लेते हैं, ऐसे पतंग जैसा बना लेंगे या जैसे चाहेंगे कोई भी चतुर्भुज बना लेंगे, वो सब उत्तल चतुर्भुज ही होगा, क्योंकि सब 180 अंश से छोटे हैं। तो ये फिगर हो गया
छह के लिए, क्योंकि सभी कोण छोटे हैं। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होगा। अब 180 से बड़ा कैसे, देखिए एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, और 180 से ज्यादा अगर बनाना हो तो इस रेखा को ऐसे कर दीजिए। ऐसे जब कर लेंगे तो 180 से नीचे वाला नहीं, यहां का जो कोण हुआ अब 180 से ज्यादा का कोण हो गया। तो चतुर्भुज हमको बनाना है तो क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। देखिए ये भी चतुर्भुज हो गया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो ये भी चतुर्भुज हो गया। और ये कोण देखिए अंदर वाला 180 से बड़ा हो गया, क्योंकि सीधी रेखा पर यहां बनता है कोण 180, तो सीधी से ज्यादा बन गया है यहां। तो एक कोण जिस चतुर्भुज का 180 से ज्यादा होगा उस चतुर्भुज को अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्शन काफी बड़ा था और इसको समझना आप लोगों को जरूरी है, तभी चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे।